बिहार शरीफ के बेरोटी नेपुरा स्थित के पब्लिक स्कूल में नालंदा सहोदया क्लस्टर द्वारा एक दिवसीय इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को CBSE के दिशा निर्देशों के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ के यूनिवर्सिटी के चेयरमैन रवि चौधरी, रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सुषमा पांडे, रानी पांडे और अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। के यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ने कहा कि CBSE के नियमों के अनुसार शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बच्चों को व्यावहारिक अनुभव और जीवन कौशल विकसित करने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण प्रणाली की आवश्यकता है। आयोजित प्रशिक्षण में जिले भर के 300 से भी ज्यादा शिक्षकों ने हिस्सा लिया। कि जो पॉलिसी है NEP का जो है उसमें जो सरकार ये चाहती है कि हम एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम को हम कराएं, बच्चों केवल किताबी ज्ञान से पूरी शिक्षा नहीं हो सकती, तो एक्टिविटीज़ बेस्ड जो सिस्टम है उसको लाया गया है। तो उसको लाने के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे टीचर्स भी ट्रेंड रहें। केवल बुकिश नॉलेज, किताब को देख करके पढ़ा देना या किताब को पढ़ के पढ़ा देना, उससे वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा बच्चे में। वो जो हम लोग एंटरप्रेन्योर जो बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर वाले गुण नहीं आ पा रहे हैं, उनमें नंबर लाने वाले गुण आ रहे हैं, उन्हें परीक्षा में पास करने वाले गुण आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक उद्यमी का जो गुण होना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो सरकार के जो मन में आया वो पहला आया कि हम बच्चों को केवल नंबर लाने वाले बना रहे हैं, परीक्षा में पास करने वाले, उनकी सोच को हम डेवलप नहीं कर पा रहे, और उनकी सोच को डेवलप करने के लिए ना इस जो NEP प्रोग्राम जो है उसमें लाया एक्टिविटी बेस्ड लेसन प्लान्स। और एक्टिविटी बेस्ड लेसन प्लान है जो छोटे छोटे कामों से वो बच्चों को दिखाया जाता है कि ये करने पर ये इफेक्ट आता है, ये करने पर ये इसका इफेक्ट आता है, और वो जब एक बार एक्टिविटी देखते हैं तो उनको याद आ जाती है, समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है और इसका क्या फलाफल है। तो सरकार की जो नीति है वो है कि हम घर घर शिक्षा पहुँचाएँ, और उसके लिए केवल किताबी ज्ञान नहीं दें, उसके लिए हम जो है ये सिस्टम बेस्ड जो एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम को लाएँ। और वो चाहती है कि उन बच्चों को देने के पहले हम अपने टीचर्स को ट्रेंड कर दें, और उन्हीं को ट्रेंड करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजन किया जाता है। ये CBSE का अच्छा प्रोग्राम है जो हर एक बार होते रहता है, बीच बीच में होता है, और सारे टीचर और प्रिंसिपल को यहाँ लाया जाता है और उनको दिखलाया जाता है कि हमें कैसे पढ़ाना है, कैसे एग्जिबिट कराना है और कैसे बच्चों को क्लास में आइडेंटिटी बनाना है। CBSE बायोलॉजी कहती है 50 घंटे का CDP मींस जो स्टूडेंट जो टीचर्स का है ना डेवलपमेंट प्रोग्राम करने के लिए, कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज़ नोन एज द CDP, उसी के अंतर्गत 50 घंटे की ट्रेनिंग होती है टीचर की। 25 घंटे CBSE करवाते हैं, 25 घंटे इन हाउस ट्रेनिंग होता है। ये इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम है नालंदा सहोदया क्लस्टर की तरफ से, जिसमें हमारे अरविंद सर, आशीष रंजन सर और कौशल सर के साथ जो भी इसके डिग्निटरीज हैं सहोदया के, उन सबका सहभागिता रही है, साथ में उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान हर कोई बनाता है, क्या वो उतना फ्रूटफुल है जो हमें चाहिए? कहीं हम सिर्फ खाना पूर्ति तो नहीं कर रहे हैं? अगर कहीं कुछ कमी रह गई है तो उस चीज़ को कैसे रेक्टिफाई करें, कैसे दूर करें, ये आज का पूरा प्रोग्राम उस पर ही बेस्ड है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं नालंदा सहोदया क्लस्टर का धन्यवाद करूंगी। CBSE ने जो 50 घंटे की ट्रेनिंग का प्रबंध किया है, ये हमारे CBSE सारे स्कूल्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो यहाँ हर 5 घंटे में हम कुछ अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। जैसे आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड कॉम्पोनेंट ऑफ लेसन प्लान के बारे में मैं बताना चाहूँगी। ये एक प्रायर बनाया हुआ एक प्लान होता है जो टीचर ऑलरेडी इसमें प्रिपेयर होकर के आते हैं और उसका एग्जीक्यूशन वो नेक्स्ट डे क्लास में करते हैं, तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। टीचर ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं, इसके वजह से बच्चों को बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। देखिए, CBSE ने 50 घंटे की ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाया है टीचर्स के लिए, और जो नई शिक्षा नीति है उसके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान। जैसे टीचर किसी क्लास में जाते हैं तो टीचर के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वो क्लास में बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद को प्रिपेयर कर लें।
अगर वो क्लास में जो भी पढ़ाना है उसके लिए खुद को प्रिपेयर करें तो वो क्लास में जाके ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग आज के ट्रेनिंग में ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से लेसन प्लान को तैयार किया जाए ताकि एक बड़े टॉपिक को क्लास में किस तरीके से समराइज तरीके से बच्चों को दिया जाए ताकि टीचर और बच्चों को टीचर का जो टारगेट है बच्चों को समझाने का वो सही तरीके से वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके।